नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक अजीब घटना हुई है। यहां से लखनऊ की फ्लाइट में बैठे एक युवक ने अचानक से यह कहकर दहशत फैला दी कि यह आतंकवादी है। आनन फानन में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई और युवक को अरेस्ट कर लिया गया। गहन पूछताछ हुई, इसमें पता चला कि वह युवक कोई आतंकवादी नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का छात्र है और फ्लाइट से उतरने के लिए नाटक किया था। आगे की पूछताछ में और भी हैतंगेज खुलासे हुए हैं। कहा गया है कि वह पढ़ाई में कमजोर था और उसे डर था कि घर जाने पर उसके पापा डांटेंगे। एयरपोर्ट पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक की पहचान आदर्श कुमार सिंह निवासी लखनऊ के रूप में हुई है और वह वहां एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक प्रथम वर्ष का छात्र है। अपने पिता के आदेश पर वह बेंगलुरु से घर जाने के लिए उसने एयर एशिया की फ्लाइट से लखनऊ के लिए टिकट बुक किया था। नियत समय पर वह एयरपोर्ट भी पहुंच गया और लेकिन टेक ऑफ से कुछ मिनट पहले उसने चिल्लाकर ये कहा कि वह आतंकवादी है और यह फ्लाइट अभी उड़ान नहीं भरेगी। यह सुनते ही क्रू मेंबर के होश फख्ता हो गए। आनन फानन में सुरक्षा एजेंसियों को सूचित किया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत प्लेन को घेर लिया और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। इसके बाद जब आरोपी युवक से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि वह फ्लाइट से उतरना चाहता था, इसके लिए कोई रास्ता ना दिखा तो उसने खुद को आतंकवादी होने की बात कह डाली। घटना 17 फरवरी की रात की बताई जा रही है। उस समय पुलिस ने आरोपी को संबंधित धाराओं में अरेस्ट कर लिया और जाँच पूरी होने के बाद मंगलवार को उसे जमानत पर रिहा भी कर दिया गया।